हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है स्टोरी टाइम, चांद का तोहफा। ऑथर रोहिणी नीलंकनी, इलस्ट्रेटर एंगी एंड उपेश, ट्रांसलेटर रितु सिंह। क्या आपको गर्मी के दिनों में टोपी पहनना अच्छा लगता है? इस प्यारी सी कहानी में पढ़े और किसको टोपी पहनना पसंद है? हम सब दशहरा का मेला देखने गए। पापा ने चिंटू के लिए फैंसी चश्मे खरीदे, माँ ने मेरे लिए एक चमकती नीली टोपी खरीदी और मुन्नी को मिली टॉफी। घर जाते समय जोर की हवा चली, वह मेरी टोपी उड़ा ले गई। मेरी टोपी एक पुराने पीपल के पेड़ की डाली पर जा लटकी। मैं खूब रोया और रात का खाना भी नहीं खाया। देर रात में चांद निकला, उसने पुराने पीपल पर मेरी टोपी देखी। चांद ने मेरी टोपी पहनी और खुशी से मुस्कुराया, मैं भी मुस्कुराया। अगले दिन स्कूल के बाद माँ ने मुझे एक नई चमकती लाल टोपी दी। चांद ने भेजी है, माँ ने कहा। उस रात चांद और मैं दोनों ने अपनी टोपियां पहनी और मुस्कुराए, हम खुश थे। आपका क्या ख्याल है, क्या सूरज को टोपी की ज़रूरत है? आप सभी से एक क्वेश्चन पूछती हूँ बच्चों, ज़रा ढूंढिए आज मैंने कौन सी टोपी पहनी है। अपना आंसर कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।